और युवा मोर्चा के प्रभारी श्री तरुण चुग जी, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी, हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो पार्टी के अंदर भी गुड गवर्नेंस सेल पर अपना उनका मार्गदर्शन मिलता है, ऐसे हमारे विनय सहस्रबुद्धे जी और हमारे तमिलनाडु स्टेट भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री रमेश शिवाजी, वरुण जी जो BJYM की पॉलिसी रिसर्च का कार्य देखते हैं और यूथ पार्लियामेंट में देश भर से आए हुए हमारे सभी वरिष्ठ युवा साथी, युवा नेता जो आज यूथ पार्लियामेंट में एकत्र आए हैं। मेरे लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि आज मैं इस नेशनल यूथ पार्लियामेंट में इस डिजिटल दुनिया के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सब के साथ जुड़ा हूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं खुद आप सब के बीच में रहूं, व्यक्तिगत रूप में आप सब से मिलूं, आपकी बातों को सुनूं और विचारों का आदान प्रदान होगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन समय की व्यस्तता के कारण यह नहीं हो सका, इसका मुझे खेद है। आई फील सॉरी दैट आई एम नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन तमिलनाडु फॉर दिस नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट, बट स्टिल इट वुड हैव बीन बेटर इफ आई वुड हैव बीन देयर एंड इंटरैक्टेड विथ यू पर्सनली, इट वुड हैव बीन मोर इनकरेजिंग फॉर मी एज वेल एज फॉर यू एंड इट मस्ट हैव बीन मोर एनलाइटनिंग। Seeing all the young friends present here, my heart is overwhelmed. Today, when I am present here among all of you, I can feel the new energy flowing inside me. Mitro, aaj jab main yahan aap sab ke saath is video conference ke madhyam se mil raha hu, to mujhe ek nayi urja mil rahi hai. मैं अभिभूत हूं कि देश के युवाओं के साथ मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। पीएम मोदी जी इज मूविंग फॉरवर्ड विद द ड्रीम ऑफ न्यू इंडिया एंड टुडे आई एम सीइंग द फाउंडेशन ऑफ न्यू इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नया सपना, नया भारत का सपना, इसको लेकर के चलने का संकल्प लिया और उसको पूरा करने के लिए आज मैं देख रहा हूं कि उसकी नींव निश्चित रूप से रखी गई है। मैं युवा मोर्चा के तेजस्वी सूर्या और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट तेजस्वी सूर्या एंड हिज टीम फॉर इनिशिएटिंग दिस नेशनल यूथ पार्लियामेंट organized by Bharatiya Janata Yuva Morcha. When I say so, I really mean it, because Prime Minister Modi had given this idea, he has mooted this idea. Pradhan Mantri Modi ji ne kaha tha ki humko ek youth parliament ke madhyam se apne yuvaon mein jo unki urja hai usko ek seasoned democracy ke tarike se aage badhane ki aavashyakta hai. और इसलिए यह जरूरी होगा कि हम अपने युवाओं को इन्फॉर्म्ड रखें, मुख्य बातों पर डिस्कस करें। इट इज अवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यूथ शुड बी इन्फॉर्म्ड एंड यू विल ऑल्सो डिस्कस द इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू द कंट्री एंड सोसाइटी हियर फॉर द नेक्स्ट टू डेज। मुझे खुशी है कि आप सब लोग दो दिनों तक प्रमुख बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन ऑन इश्यूज रिलेटेड टू द सोसाइटी विल सर्टनली बेनिफिट एंड लीड योर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑल्सो। आपका भी स्तर सोचने का, विचार करने का, डिस्कशन करने का वह बढ़ेगा, यह मैं मानता हूं। इसलिए यह यूथ पार्लियामेंट
बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको देश के लिए तैयार करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश को एक नई दिशा देने के लिए। मित्रों, हम जानते हैं कि जहां लोगों की जो वॉइसेस हैं उसको एक सीजन तरीके से कैसे रखा जा सकता है, यह हमको यूथ पार्लियामेंट में समझ में आता है और इसीलिए यह हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम इन वॉइसेस को किस तरीके से समावेश कर सकते हैं, कलेक्टिव विजडम को कैसे समावेश कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे की बातों को रिस्पेक्ट करते हुए एक मैच्योर डेमोक्रेसी के पार्ट एंड पार्सल बन सकते हैं। इन सब को प्रैक्टिस करने का इस यूथ पार्लियामेंट में आप सबको मौका मिलेगा और आप सब लोग इस मौके का सदुपयोग करते हुए इस पार्लियामेंट को एक सफल और सही मायने में एक, जिसे बोलते हैं कि आपको मैच्योरिटी लाने में वह काम करेगी। मित्रों, मुझे इस बात की भी खुशी है, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव सिलेक्टेड तमिलनाडु एज द स्टेट फॉर स्टार्टिंग दिस नेशनल यूथ पार्लियामेंट। जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो हमको ध्यान में लेना पड़ेगा कि यह तमिलनाडु वह प्रदेश है जो सबसे एंशियंट लैंग्वेज के लिए जाना गया है। यह तमिलनाडु मंदिरों के लिए, अध्यात्मवाद के लिए, वेदास के लिए, लैंड ऑफ वेदास के लिए, लैंड ऑफ रिच हिस्ट्री के लिए और कल्चरल हेरिटेज के लिए तमिलनाडु जाना गया है। ऐसी, जिसे हम कहते हैं कि परंपराओं के साथ, अपने इतिहास के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपने हेरिटेज के साथ जो भूमि अपने आप को समावेश करती है, ऐसी पवित्र भूमि पर आपने इसको करने का तय किया है, यह भी बहुत ही सराहनीय है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तमिलनाडु वो धरती है जहां उथी मेरूर नाम का गांव, जिसमें इंस्क्रिप्शन पर लगभग 1100 साल और 1200 साल पहले यह लिख दिया गया था अपना संविधान। सो हम सबको समझना चाहिए कि इन वर्ल्ड्स एंशियंट डेमोक्रेसी वॉज प्रेविलेंट इन तमिलनाडु एंड तमिलनाडु गिव्स अस द लीड। और ऐसी धरती पर जहां 1100 साल पहले, 1200 साल पहले अपने ग्राम सरपंच को कैसे चुना जाए और अपने ग्राम सभा को कैसे ऑपरेट किया जाए, हाउ टू ऑपरेट दी ग्राम सभा एंड हाउ टू इलेक्ट दी ग्राम सरपंच, यह संविधान में इंस्क्राइब्ड करके लिखने वाला यह जो उथी मेरूर नाम का गांव था, यहां पर वह प्रेविलेंट 1100 साल पहले, 1200 साल पहले था। इसलिए हम कहते हैं कि वी आर दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और BJYM ने तमिलनाडु की धरती को चुना, यह हम सब के लिए बहुत ही सराहनीय है। मित्रों, डेमोक्रेसी हमारे कल्चर में बसा हुआ है, डेमोक्रेसी इज इन आवर कल्चर, डेमोक्रेसी इज इन आवर वे ऑफ लाइफ, डेमोक्रेसी को हम जीते हैं और इसलिए आज हम कह सकते हैं कि बाय नेचर वी आर डेमोक्रेट। और उसको परिष्कृत करना, उसको फाइन ट्यून करना, ये आपने यूथ पार्लियामेंट में जब आप करेंगे तो मुझे अति प्रसन्नता भी होगी, खुशी भी होगी और भारतीय जनता युवा मोर्चा कल के नेताओं को पैदा करने में एक सक्षम भूमिका अदा करेगा। इस बात के लिए मैं युवा मोर्चा को विशेष करके बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि लगभग 300 डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज आर पार्टिसिपेटिंग। ये बहुत ही खुशी की बात है और ये देश की डाइवर्सिटी भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी, देश की विविधता भी आपको देखने को मिलेगी। और इसीलिए मैं आपको पुनः बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है और ये डाइवर्स ग्रुप आज विभिन्न विषयों के बारे में चर्चा करेगा और यूथ पार्लियामेंट को आगे बढ़ाएगा। मित्रों, मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदल डाला है और मैं युवाओं को अपील करूंगा, गो टू एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री और टेल पीपल हाउ
political difference Modi ji has brought in the Indian polity. भारत के राजनीति में किस तरीके से परिवर्तन मोदी जी ने लाया है उसको हमको देश के कोने कोने में जाकर के बताना है. क्या देश था 2014 से पहले? हमारा देश था भ्रष्टाचार युक्त, वन ऑफ द मोस्ट करप्ट स्टेट्स, पॉलिसी पैरालिसिस, घुटनों पर रेंगने वाला भारत, पिछलग्गू भारत, ये भारत को संज्ञा दी जाती थी. दिस वॉज द डिनोमिनेशन गिवन टू इंडिया. दिस वॉज टोल्ड अबाउट इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट करप्ट नेशंस, वन ऑफ द मोस्ट पॉलिसी पैरालिसिस नेशन, ये भारत के बारे में कहा जाता था. और टुडे आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज एक अग्रगणी राज्यों के रूप में खड़ा है, दुनिया को दिशा देने वाला भारत खड़ा है. इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए. और जब मैं ये कहता हूं तो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन, कमीशन, डायनेस्टिक रूल, परिवारवाद, यहां से भारत को निकाल करके विकासवाद की ओर ले जाने का काम किया है, डेवलपमेंट की ओर ले जाने का काम किया है. और डेवलपमेंट किसका, किस मंत्र के साथ? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ऑल इंक्लूसिव, ऑल टुगेदर, सबको साथ ले जाने का ये मोदी जी का सपना, इसको उन्होंने पूरा किया है. इसलिए मित्रों, आज जब आप युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, कल आपने देखा होगा कि इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में जो टॉपिक था वो था द इंडिया मोमेंट, यानी इंडिया की घड़ी आई है. अगर दुनिया इस बात को चर्चा कर रही है और नरेटिव तय कर रही है कि भारत का समय है, तो मोदी जी ने 20 महीने पहले लाल किले से कहा था यही समय है और सही समय है, और यही समय है और सही समय है जब आप भी एकत्र आकर के भारत के विकास की गाथा पर चर्चा कर रहे हो. मित्रों, इट इज अ प्राउड प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस टुडे. वी हैव बीन इन पॉलिटिक्स, आई हैव बीन इन पॉलिटिक्स फॉर लास्ट 40 इयर्स. विनय सहस्रबुद्धे जी हैज बीन इन पॉलिटिक्स एंड इन सोशल लाइफ फॉर द लास्ट 40 इयर्स. मोर देन 30 इयर्स हैव पास्ड जब हम हमेशा उदासीन भारत को देखते रहे. 30 साल हमने देखे हैं उदासीन भारत. हमने 30 साल देखा है ये ऐसा ही चलता है, ये ऐसा ही चलेगा, यहां कोई बदलने की गुंजाइश नहीं रह गई है. लेकिन हम लोग हमेशा प्रयासरत थे, और आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं और गर्व के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में यह परिवर्तन आ गया है, और यही घड़ी है और सही घड़ी है. इस बात को भी हमको समझना चाहिए. इसलिए मित्रों, मैं देश में जो बदलाव आए हैं उसके बारे में तो बहुत चर्चा कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं बारे में चर्चा करूंगा. आई कैन डिस्कस अबाउट मोदी जी गवर्नमेंट अलॉट, बट आई विल डिस्कस the achievements mostly related to youth. When I say so, mostly related to youth, आप देखिए शिक्षा में, आप देखिए शिक्षा के साथ कौशल में, आप देखिए युवाओं को मौका और opportunity देने में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है. इसलिए मित्रों, when I talk to the youth, I say this is your time when it is taking place. आपको जानकर के खुशी होगी कि 7 नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एस्टैब्लिश हुए हैं. यह छोटी घटना नहीं है कि 7 इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खड़े हुए हैं. कितने नौजवान ऐसे थे आज से 20 साल पहले जो मैनेजमेंट की स्टडीज करने के लिए विदेश जाया करते थे. वो क्या कहते थे, अहमदाबाद में एडमिशन नहीं हुई, अब मैं बाहर जा रहा हूं मैनेजमेंट पढ़ने के लिए. उनको आज देश के कोने कोने में स्थान देना और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाने का काम और यह अपॉर्चुनिटी दी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है. अगर हम कहें द नंबर ऑफ ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वो तिगुनी हो गई है, तिगुनी. 1960 से लेकर के
1998 tak there was only one All India Institute of Medical Sciences, only one, that was in New Delhi. Today there are 22 All India Institute of Medical Sciences, 22 All India Institute of Medical Sciences, world class standards. कहीं जाने की जरूरत नहीं है. मैं नौजवानों से कहूंगा यही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आज नए साइंस के तीर्थ स्थान बने हैं, ह्यूमन मानवता की सेवा के नए तीर्थ स्थान बने हैं. आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, लेकिन कृपया करके अपने सबसे नजदीकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को विजिट करने जरूर जाओ. आप देखो हमारे लाखों डॉक्टर्स इस देश से बाहर चले जाते थे और हम उनसे पूछते थे क्या इस देश में आपको सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है. कहते थे नो, वी वांट टू डू रिसर्च, वी वांट टू डू रिसर्च एंड वी डू नॉट हैव द फैसिलिटीज. आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स का रिसर्च का आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है. दुनिया की बेस्ट मशीनरीज आर अवेलेबल इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. दिस इज द चेंजिंग टाइम विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. और उसी तरीके से अगर हम कहें IITs के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, नाउ देयर आर 23 और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और वन न्यू IIT जब खुलता है तो कितने नौजवानों को रिसर्च का अपॉर्चुनिटी मिलती है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए, इस बात को भी हमको जानना चाहिए. जब हम ये कहते हैं तो हमको समझना होगा कि जब 7 इंडियन नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खुले हैं तो कुल मिलाकर के 23 ऑल इंडिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाते हैं. इसका मतलब हम समझें कि आज शिक्षा के दृष्टि से कैसे विकास हो रहा है. 320 न्यू यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई हैं, 320 न्यू यूनिवर्सिटीज मित्रों, और ये अच्छी यूनिवर्सिटीज है, स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई हैं. One new university is being opened every week and two new colleges are being opened every day. यह हमको ध्यान में रखना चाहिए. इंडियन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर की अगर हम बात करें तो 2014 में 11,964 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी और 2022 में 11,000 थी और आज 14,953 हो गई है. मित्रों सबसे खुशी की बात यह है कि यूनिवर्सिटीज को एमिनेंस का टैग लगने के लिए, वर्ल्ड क्लास सेंटर्स एजुकेशन का बने इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उन यूनिवर्सिटीज को जिनको एमिनेंस टैग लगेगा उनको 1,000 करोड़ रुपीज गवर्नमेंट से सपोर्ट करने का तय किया है. यानी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए भारत सरकार उन यूनिवर्सिटीज को 1,000 करोड़ रुपीज ईच यूनिवर्सिटी को देने वाली है. यू कैन अंडरस्टैंड कि मोदी जी के किस तरीके से शिक्षा की प्रणाली को और शिक्षा के क्वालिटी को, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए किस तरीके से भारत में योगदान हो रहा है, उसको भी हमको समझना होगा. मित्रों आपको जानकर के खुशी होगी कि आज नॉर्थ ईस्ट में ही अकेले, अभी अभी आप युवा साथियों ने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट की मेन स्ट्रीमिंग हुई है. आज अभी पिछले 2 सप्ताह पहले वहां चुनाव हुए थे. हमने त्रिपुरा में सरकार फिर से बनाई, हमने नागालैंड में सरकार में एनडीए के रूप में आए, मेघालय में हमने फिर से सरकार बनाई. लेकिन ये सरकारें ऐसी नहीं बन गई, ये इसलिए बनी क्योंकि वहां के नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये ध्यान में आ गया कि दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं जो नॉर्थ ईस्ट की खबर रखते हैं और नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं. A prime minister visiting more than 50 times in Northeast. And you'll be happy to note that 22 new universities have been opened in Northeast. Northeast mein 22 universities kholi gayi hain pichle 9 saalon mein. Aur yahi nahi, Ladakh mein bhi ab Central University khul gayi hai. Mujhe malum nahi ki Ladakh se aapke youth parliament mein log aaye hain ki nahi aaye hain. Lekin yes, desh badal chuka hai. देश के विकास की परिभाषा बदल चुकी है, पैरामीटर्स बदल चुके हैं. कुड एनीबडी थिंक दैट लद्दाख विल बी हैविंग अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी? आज वहां पर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की शुरुआत हो गई है. उसी तरीके से हमारे मेडिकल कॉलेजेस की मैं बात करना चाहूंगा. आज
हर 3 लोकसभा पर 1 लोकसभा में एक नया मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। आपको जानकर के खुशी होगी कि 2014 में 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, टुडे वी हैव गॉट 606 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस विच आर बीइंग ओपन्ड। एंड व्हेन आई से सो, तो मैं ये भी आपको बताऊंगा कि MBBS की सीट्स 53% इंक्रीज है, MS की सीट्स आज 80% की इंक्रीज है, 80% की इंक्रीज है। मैं कहना नहीं चाहता, स्वास्थ्य के साथ लंबे समय से जुड़ा हूं, नीट के एग्जामिनेशन जब शुरू किए थे तो बड़ा विरोध हुआ था और कहा गया था कि नीट एग्जामिनेशन आएगा तो हमारी दिक्कतें बढ़ेंगी। आज नीट एग्जामिनेशन के कारण गरीब घर का व्यक्ति भी आज MBBS का कोर्स कर सकता है, यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। आज भारतीय भाषाओं में पढ़ने वाला व्यक्ति भी मराठी में, गुजराती में, उड़िया में, तमिल में, मलयालम में, तेलुगु में, कन्नड़ में आज वो नीट की परीक्षा दे करके वो डॉक्टर बन सकता है, यह परिस्थिति आई है। मेडिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से परिवर्तन आया है। और जब मैं इस परिवर्तन की बात करता हूं, अच्छा नहीं लगेगा बोलने के लिए, लेकिन कैपिटेशन फीस MS के कोर्सेज में 8-8 करोड़, 7-7 करोड़ होता था, यानी दुकान चली हुई थी। लेकिन आज पारदर्शिता के साथ आज गरीब घर का व्यक्ति भी मेडिकल MS कर सकता है, MBBS कर सकता है, और 80% सीट्स के इंक्रीज हुई है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसी तरीके से हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट जो है वह लगभग दुगनी हो गई है पिछले 8 साल में, यह परिवर्तन भी हम लोगों को देखने को मिला है। हम ये भी कहेंगे कि यूथ के प्रति जो पॉलिसी पैरालिसिस थी वह पॉलिसी प्रैग्मेटिज्म में बदल गई है। नेशनल पॉलिसी फॉर द स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप 2015, यह सच में हम सब लोगों को याद रखने लायक है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक नया इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है, जो एम्पावरमेंट कर रहा है, स्किलिंग का क्वालिटी बढ़ा रहा है, उसकी फाइननेस बढ़ा रहा है, उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप जो 2015 में मोदी सरकार ने लागू किया वह अपने आप में सराहनीय है और वह युवाओं को एक अपॉर्चुनिटी देता है। मैं आपके साथ बहुत सी चीजों पर चर्चा कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ फोकस कर रहा हूं यूथ पर और यूथ से जुड़ी ही विषयों पर। मैं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, इन पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, किसान पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ युवाओं पर चर्चा कर रहा हूं कि युवाओं के लिए किस तरीके से कार्य हुआ है। जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, 4 दशक के बाद यह एजुकेशन पॉलिसी आई और लैक्स ऑफ पीपल वर कंसल्टेड, लैक्स ऑफ पीपल, एंड दिस एजुकेशन पॉलिसी केम आउट विदाउट एनी कॉन्ट्रोवर्सी, इट वॉज एक्सेप्टेड बाय एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने इस एजुकेशन पॉलिसी की सराहना की है और यह एजुकेशन पॉलिसी इंडिया को भारत की तरफ ले जाएगा। जब मैं इंडिया को भारत की तरफ कहता हूं तो मेरा अर्थ यह है, इंडिया का मतलब कुछ लोग जो प्रिविलेज थे, और भारत का मतलब है भारत की 135 करोड़ की जनता, आम जनता आज शिक्षा से जुड़ने वाली है इस शिक्षा नीति के कारण, यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। और जब मैं ये मैं कहता हूं तो दिस एजुकेशन पॉलिसी इज अफोर्डेबल पॉलिसी, ये अफोर्डेबल है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल देती है, ये एक्सेप्टेबल फॉर ऑल है, ये फ्लेक्सिबल है, और ये हमारे एनालिटिकल कर्व को एग्जामिन करती है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड को एजुकेशन में, इसको वो मदर टंग में हमको नेशनल एजुकेशन को हमको मिलने की सुविधा मिलती है। मित्रों, ये मदर टंग में पढ़ना ये बहुत बड़ी बात है। हम सब लोग कि घंटों क्लासेस आफ्टर क्लासेस सिर्फ इसी बात में चले जाते हैं क्योंकि हमको इंग्लिश में पढ़ना कंपलसरी था
और इसलिए अपनी भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ने को हमको सीखने के लिए मजबूर थे। लेकिन आज आफ्टर दिस एजुकेशन पॉलिसी अब शिक्षा आपको अपनी मातृभाषा में मिलेगी, और जब शिक्षा आपको अपनी मातृभाषा में मिलेगी तो भारत का नौजवान, भारत का कार्यकर्ता, भारत का युवा और भारत का विद्यार्थी खड़ा होगा, इस बात को भी हमको समझना होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब ये फ्लेक्सिबल बताते हैं, जब ये अफोर्डेबल हम बताते हैं, जब ये हम एनालिटिकल कर्व को के बारे में चर्चा करते हैं, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा आप सब लोग, कम से कम हम और विनय सहस्रबुद्धे जी, और मैं देख रहा था कि वहाँ तरुण विजय भी शायद बैठे हुए हैं, इन सब लोगों ने जब पढ़ाई की थी, जब शिक्षा ली थी, तो हम लोगों को कहते थे रट्टा मार एजुकेशन। हम रटते थे और रट करके चले जाते थे, एग्जामिनेशन में लिख आते थे, 60% एंड अबव मार्क्स ले लेते थे, लेकिन हमारा एनालिसिस करने का जो शक्ति थी वो वहीं की वहीं पड़ी रहती थी। आज की शिक्षा नीति में हमने रट्टा छोड़ करके हम आज लोगों को उनके एनालिसिस करने की ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मूल परिवर्तन इस शिक्षा नीति के तहत हुआ है। नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 में आई है। यह जो टॉप नेशंस हैं उसमें हम 2030 तक में हम प्रमोट होकर के एयर स्पोर्ट्स कल्चर को हम इस कंट्री में आगे बढ़ाएंगे। और जब हम ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स पॉलिसी हम एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी लाएंगे, तो उसमें एरोबैटिक्स, उसमें एरो मॉडलिंग एंड मॉडल रॉकेटरीज, और उसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल करने के लिए आमेचर बिल्ट एंड एक्सपेरिमेंट एयरक्राफ्ट, बेलूनिंग, ड्रोन्स, ग्लाइडिंग एंड पावर्ड ग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग एंड पावर्ड हैंड ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग इंक्लूडिंग स्काई डाइविंग, ये सारी चीज़ों को हम उस हमारे एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी में हम उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। स्किलिंग इंडिया फॉर ए बेटर फ्यूचर, इसके लिए भी हम नीतिगत रूप से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आपको जानकर के खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा, 1,35,00,000 नौजवानों को स्किलिंग करा दी गई है। ये भारत सरकार हमें बताती है कि 1,35,00,000 पीपल हैव नाउ बीन स्किल्ड, और वह हमारे बेटर फ्यूचर के लिए कौशल विकास योजना के तहत काम कर रहे हैं। और इसके लिए जब मैं स्टार्टअप्स की बात करता हूं, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि स्टार्टअप्स में लगभग 100 यूनिकॉर्न्स आज भारत में युवाओं ने कंट्रीब्यूट किया है, और क्यूमुलेटिवली लगभग $333 बिलियन का उन्होंने, जिसको हम कहते हैं कि कलेक्टिवली वैल्यूड, हमारे यूनिकॉर्न्स के तरफ से भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान हुआ है। 2014 में स्टार्टअप्स की संख्या क्या थी? 471। और आज 2023 में स्टार्टअप्स की संख्या क्या है? 93,000। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ चेंज कम्स विद द लीडरशिप। मोदी जी के द्वारा किस तरीके की लीडरशिप के परिवर्तन से आया है वो भी हम सबको ध्यान में आता है। स्पोर्ट्स की बात करें तो आपको याद होगा टोक्यो में जिस तरीके से हमारा परफॉर्मेंस रहा, हम जब भी ओलंपिक से लौटते थे तो हताश आते थे, निराश आते थे, यहां लेख लिखे जाते थे, यहां एडिटोरियल्स लिखे जाते थे, बैड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया, बैड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया। लेकिन आज जब हमारे खिलाड़ी टोक्यो जाते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री उनको शुभकामनाओं के साथ भेजते हैं, वो वहां मेडल जीतते हैं, मेडल जीतने के बाद उनको बधाई मिलती है, लौटने पर आकर के सभी खिलाड़ियों का भारत में स्वागत होता है, और वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा होता है। यह हम स्पोर्ट्स पॉलिसी को हम प्रायोरिटी देते हैं, और इसीलिए टोक्यो में हम कह सकते हैं कि इट हैज बीन द इंडियाज एवर बेस्ट परफॉर्मेंस। 7 मेडल्स हम लोगों ने जीते, 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। उसी तरीके से पैरालंपिक्स में भी हमने 19 मेडल्स जीते, और स्पोर्ट्स की दुनिया में हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर होकर के चल रहे हैं, यह भी हमको ध्यान में रखना है। खेलो इंडिया के माध्यम से 2500 एथलीट्स को हम खेलो इंडिया में हम लोगों ने अपने साथ जोड़ा है, और इनको डेवलप करने के लिए 2600 करोड़ रुपीज आर बीइंग स्पेंट। यानी हम सिर्फ नारे नहीं लगाते, मोदी जी नारे नहीं लगाते, मोदी जी
युवाओं को खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आज 2600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके उनको अगले ओलंपिक्स के लिए, अगले एशिया गेम्स के लिए तैयार करने के लिए वो कृत संकल्प है, यह भी हमको ध्यान में आता है। मित्रों, मैं बहुत सी स्कीम्स के बारे में आपसे चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन आपका समय मैं इस पर लेना नहीं चाहता। मैं आपके सामने सिर्फ यही बताना चाहता था कि आज भारत की बदलती तस्वीर है, युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी अपरंपार है। स्काई इज द लिमिट, गो फॉरवर्ड, आगे बढ़िए, पूरी तीव्र गति से आगे बढ़िए, और ये दो दिन भी आप मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, कम आउट विद द बेस्ट पार्लियामेंट्री स्किल्स, पार्लियामेंट्री हुनर को अपने बढ़ाने का और जागृत करने का यह एक अपॉर्चुनिटी है, इसको आप आगे बढ़ाइए। तेजस्वी सूर्या जी ने हमारे वेलकम एड्रेस में कुछ बातें, उन्होंने हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर उन्होंने चर्चा की थी, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब मैं राहुल गांधी की बात करता हूं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने प्रजातंत्र की हर मर्यादाएं लांघ दी है। कांग्रेस पार्टी आज मानसिक दिवालियेपन से ग्रसित है, दे हैव बिकम मेंटली बैंकरप्ट, एंड व्हेन आई सो से आई से इट विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहते हैं, ब्रिटेन की, इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के क्या कहते हैं, इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के कहते हैं, यू नो इन इंडिया डेमोक्रेसी इज थ्रेटन, यू नो देर इज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया, और आगे बढ़कर के कहते हैं द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूएस डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर इन ऑब्लिवियस, वो बेखबर है, उनको आप उकसाने का काम करते हैं, विदेशी धरती पर जाकर के ये आप काम करते हैं। आप इन शब्दों को देखो पार्लियामेंट के दृष्टि से, व्हेन यू आर डिस्कसिंग इन द यूथ पार्लियामेंट, प्लीज गो थ्रू दीज वर्ड्स, व्हाट डज इट मीन, ये इन शब्दों का अर्थ क्या है, इन शब्दों का अर्थ है कि आप विदेश की सरजमी पर जाकर के भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी उसको वहां पर उसके बारे में आप निंदा तो करते ही हो, लेकिन साथ ही साथ विदेशी ताकतों को भी आप उकसाते हो कि वो हमारे यहां दखलंदाजी दें। ऐसे लोगों को लॉक स्टॉक एंड बैरल के साथ छुट्टी करनी चाहिए और प्रजातांत्रिक तरीके से करनी चाहिए, इन ए डेमोक्रेटिक मैनर उनको छुट्टी करनी चाहिए। दे हैव नो प्लेस इन डेमोक्रेसी, दोज हु डू नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र की आपने हर मर्यादाएं आपने लांग दी। क्या आपके भाषण है पार्लियामेंट में, किस तरीके के आप वक्तव्य देते हो, और भारत की जनता सहती है, सुनती नहीं है, सहती है। वी हैव टू हियर योर स्पीचेस, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से डेमोक्रेसी में किस तरह के लोग भी आ जाते हैं। मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है और युवाओं से मेरा निवेदन है, कल आपका है, आप पूरी ताकत से तैयारी कीजिए, शब्दों की बारीकियों को पकड़िए, और शब्दों की बारीकियों को पकड़ करके अपने मुद्दों को स्पष्ट रखने की ताकत रखिए, यही पार्लियामेंट का सही काम है। और इसलिए मैं युवा यूथ पार्लियामेंट में आए हुए देश के कोने कोने से सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ, उनका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस दो दिनों में हमारे, मैं देख रहा हूँ रिसोर्स पर्सन्स के रूप में हमारे सभी वरिष्ठ लोग वहाँ उपस्थित हैं, उनके हमको वैल्यूबल सजेशंस मिलेंगे, उनके हमको वैल्यूबल मार्गदर्शन मिलेगा, और उस मार्गदर्शन को लेकर के आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय तमिलनाडु, जय तमिल।